हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब सो फॉलो योर ड्रीम्स आज मैं डिस्कस करूंगी यूपी के आर्टिस्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आर्टिस्ट ने डीपी धुलिया फुल फॉर्म है दारिका प्रसाद धुलिया तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुके हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं यूपी के स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी के एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं सो so, देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था तो 1923 सौ ईस्वी में ये पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी शिक्षा जो टीचर रहे हैं वो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में रहे हैं तो यूपी के आर्टिस्ट हैं तो वो वहीं के टीचर रहे होंगे सो अगर एग्जाम में किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा अगर यूपी के आर्टिस्ट अच्छे से लर्न होंगे तो बस लखनऊ कला विद्यालय ही राइट आंसर होगा उसे ही टिक कीजिएगा इनके चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ था तो राज्य संग्रहालय लखनऊ रहा है इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद और जिला परिषद गोरखपुर शिक्षण कार्य इन्होंने किया है अध्यापक कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और अध्याय अध्यक्ष ये रहे हैं कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर में इनकी दो पुस्तक इनकी एक फेमस पुस्तक है चित्र दर्शन प्रसिद्ध चित्र है इनकी झांस प्यासा गांव की लड़की द विलेज ऑन गर्ल जो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है और पहाड़ी पुल तो देखिए ये झांझ रिपीटेड है काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और घटना चक्र सॉरी हाँ घटना चक्र के बुक में ये पूछा गया है कि डीपी पी धुलिया की पेंटिंग कौन सी है झांझ किसकी पेंटिंग है तो डीपी पी धुलिया की है वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस का ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर ही नहीं बताया है उसको मिनिमाइज़ कर दिया है लिख दिया है कि ये आंसर नहीं पता तो जो डीपी पी रॉय धुलिया है उनकी पेंटिंग है झांच सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेस्ट बेसिस फॉर योर एग्जाम